निशांत हुए अपने दोस्त प्रतीक से गुस्सा। वहीं नेहा ने बचाया शमिता को। वेल, क्या कुछ हुआ बिग बॉस ओटीटी के धमाकेदार एपिसोड में, चलिए बताती हूँ मैं आपको हमारे इस वीडियो में। बिग बॉस ओटीटी के फैंस तो ये जानते हैं कि शमिता, निशांत, मिलिंद अक्षर और दिव्या इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हुए थे। वहीं इसी बीच बिग बॉस ने एक अच्छा ट्विस्ट लाया, जहां उन्होंने बॉस मैन और बॉस लेडी को कहा कि आप दोनों को ये पावर मिल रही है कि आप किसी एक कंटेस्टेंट को सेव कर सकते हैं। जहां प्रतीक चाहते थे कि वो अपने दोस्त निशांत को सेव करे, वहीं नेहा चाहती थी कि वो अपने दोस्त शमिता को सेव करे, और एंड में जाकर इन दोनों ने शमिता शेट्टी को नॉमिनेशन से सेव कर लिया, जिसके बाद निशांत अपने दोस्त प्रतीक से थोड़ा गुस्सा नजर आए। वेल, शमिता नेहा के इस डिसीजन से काफी ज्यादा खुश हो गई। वेल, अब इसका मतलब ये था कि निशांत, मिलिंद अक्षर और दिव्या गए नॉमिनेशन में। लेकिन फिर बिग बॉस ने एक अच्छा ट्विस्ट खेला, जहां जनता के वोट्स के जरिए उन्होंने अनाउंसमेंट की उस कंटेस्टेंट की जो इस हफ्ते सेफ हुआ, और जनता का भरपूर प्यार मिला निशांत भट्ट को। अब इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इस हफ्ते दिव्या, मिलिंद और अक्षरा में से कोई एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। वेल, हम तो जानते हैं कि घर में लव इज इन द एयर, क्योंकि हमें शमिता और राकेश के बीच काफी क्यूट मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं शमिता भी राकेश के लिए धीरे धीरे ही सही लेकिन पजेसिव जरूर हो रही है। वहीं इनकी क्यूट केमिस्ट्री भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। अब बात करते हैं कैप्टेंसी को लेकर। पिछले हफ्ते कैप्टन बने थे नेहा और प्रतीक, और अब जाकर उनकी कैप्टेंसी का जो पीरियड था वो खत्म हो गया और अब नए कैप्टन का चुनाव होना था, जहां बिग बॉस ने एक क्लॉक टास्क दिया। वेल, आपके हिसाब से मिलिंद अक्षर और दिव्या में से कौन हो जाएगा इस हफ्ते घर से बेघर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।